हे गाइस, कैसे आप लोग? होप यू गाइस आर वेरी गुड। सो इस वीडियो में मैं आपको अपना रूम टूर दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने वीडियोस कैसे एडिट करता हूँ, ये सब चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा पीसी है जिसमें मैं अपने नॉर्मली एडिटिंग, स्टडीज़, ये सब काम करता हूँ। और जो आप साइड में ये वुडन सी चीज़ देख रहे हो, ये सेल्फ मेड है। ये मैंने तब बनाया था जब मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो अब हम अपने वर्क स्पेस में मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरा पेन स्टैंड दिखेगा जिसमें मैंने अपनी पेंसिल, पेंस और हाइलाइटर जैसी चीज़ें रख रखी है। और जो है आप ये बगल में वुडन सी चीज़ देख रहे हो, ये भी सेल्फ मेड है। ये मैंने तब बनाया था जब मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और ये रोनाल्डो है और ये बगल में मैं हूँ। मैंने अपने आपको ऐसा इमेजिन कर रखा है कि जैसे मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ। मैं एक्चुअल में फ़ुटबॉल लवर हूँ और मैं फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ। तो अब हम मूव करते हैं अपने सेटअप की ओर। तो सबसे पहले सेटअप में हमारा ट्राइपॉड आता है जो है डिजिटेक कंपनी का, जिसको मैंने अमेज़ॉन से बाय किया था अराउंड 5000 रुपीज़ में। और मैं इस तरीके से अपना कैमरा सेटअप करता हूँ और नीचे ड्रॉ करता हूँ। और मैं लैपटॉप को ऐसा रेफरेंस की तरह यूज़ करता हूँ, रेफरेंस फ़ोटो ऐड करता हूँ उसमें और नीचे ड्रॉ करता हूँ उसको देख के। और कभी कभार मैं इसमें एडिटिंग भी कर देता हूँ। और ये है मेरा ड्रॉअर जिसमें मैंने अपने ड्राइंग के इक्विपमेंट्स रख रखे हैं, जैसे कि कलर, पेंसिल। और यहाँ आपको मेरी कुछ ऊपर की तरफ एनिमे ड्राइंग दिखेगी। और मैं एक्चुअल में बहुत बड़ा एनिमे लवर हूँ और आप में से भी बहुत लोग एनिमे लवर होंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी बैक वॉल की तरफ, जहाँ पे मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र बना रखा है जो मैंने एक तरह से वॉल को डेकोरेट करने के लिए बनाया था। पर अब तक मैं सोच नहीं पाया इसमें और क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए। सो गाइस, दिस वॉज ऑल इन माई शॉर्ट ब्लॉग। होप यू गाइस एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए।